बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल रोल, जो बनते हैं बहुत लाजवाब और ये बहुत आसान रेसिपी है और बाज़ार से बेहतर आप ख़ुद घर में बना सकते हैं। कम बजट में बन के ये बहुत सारे रोल तैयार हो जाते हैं, तो जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी पूरी फैमिली में रेसिपी बहुत पसंद की जाएगी। तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक अदद गाजर चाहिए, एक शिमला मिर्च चाहिए, एक बंद गोभी चाहिए और इतनी सब्ज़ी में तकरीबन 20-22 रोल आराम से बन सकते हैं। और हम ग्रेटर की मदद से गाजर ग्रेट करेंगे और अब हम इसका जो इसमें जूस है वो अलीदा करेंगे। एक हम पतला कटा लेंगे मलमल का और उसमें डाल देंगे और एक लूज सी पोटली बना लेंगे। इसको हम कस के दबाएंगे ताकि सारा जूस निकल आए। तो हमें गाजर बिल्कुल ड्राई चाहिए, जो मैं ड्राई कर चुकी हूँ तो ये बिल्कुल फ्रेश जूस निकला है। आप चाहे तो इसको पी भी सकते हैं। और एक बाउल में ये हम गाजर निकालेंगे। ये गाजर बिल्कुल ड्राई हो चुकी है तो हमें इस तरह गाजर चाहिए बिल्कुल ड्राई, ताकि हमारे रोल बहुत अच्छे बने और फ्राई होते हुए फटे नहीं। तो शिमला मिर्च को भी हम कटर से कटिंग करेंगे, बिल्कुल बारीक कटिंग चाहिए। तो ये शिमला मिर्च भी मैं कटिंग कर चुकी थी और इसके बाद मुझे थोड़ा शिमला मिर्च को और चॉप करना है ताकि ये थोड़ी और छोटे पीस हो जाए इसके। तो शिमला मिर्च की भी कटिंग हो चुकी है, हम इसे बॉल में डाल देंगे और बंद गोभी को भी हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल बारीक इसको ग्रेट करना है, बारीक कटिंग करनी है इसकी। तो मैं थोड़ी बंद गोभी बचा लूँगी, कंप्लीट पूरी बंद गोभी मैंने चॉप नहीं की। इसके बाद मैं थोड़ा इसको और चॉप कर रही हूँ ताकि इसके छोटे छोटे स्लाइस बन जाए, छोटे पीस हो जाए। तो ये बारीक बंद गोभी चाहिए हमें, तो ये भी मैं कर चुकी हूँ। हम रोल को फ्रीज़र में रखेंगे, सेफ करेंगे, फ्रीज़र करेंगे। तो बंद गोभी को भी हमें ग्रेटर से ग्रेट करना होता है, फिर तो उसका भी पानी निकालना होता है, लेकिन हम इसे सेफ नहीं कर रहे, फ्रीज़र नहीं कर रहे, हम फ्राई करेंगे फौरन। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, तो हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है। तो बस यह थोड़ा बहुत मैंने इसको मिक्स किया, अभी बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया। इसमें हमें डालना है लहसुन, बारीक पिसा हुआ मैंने एक चम्मच लहसुन डाल दिया। आपके पास लहसुन पाउडर है तो आप लहसुन पाउडर डाल सकते हैं, ये पिसा हुआ लहसुन ना डालें। तो लहसुन पाउडर आप डालेंगे तो 1 टीस्पून डालेंगे और पिसा हुआ डालेंगे तो 1 टेबल स्पून डालेंगे। हल्के हाथ से मैंने मिक्स कर लिया था। 2 अदद बॉयल अंडे हैं और इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है, बारीक कटिंग करनी है, वो डाल दिए। सोया सॉस डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला में 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था, इससे बहुत अच्छी खुशबू बनेगी हमारे रोल में। और नमक 1 टीस्पून भी थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है, बस एक चुटकी और ऐड कर दी। हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे, कुछ ज़्यादा इसमें स्पाइसी नहीं जाते, कुछ ज़्यादा और नहीं जाता इसमें। तो ये बहुत लजीज रोल बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स कर चुकी हूँ मैं, ये तैयार है। अब हमें रोल पट्टी चाहिए, जो मैं ले चुकी हूँ, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए पट्टी। आपकी बासी पट्टी होगी, पुरानी होगी, तो रोल पैक करते हुए फट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। स्टफिंग रखेंगे अपने पसंद के मुताबिक और इसको थोड़ा टाइट सा रोल करेंगे। और मैंने आटे की लई बना के रखी हुई है, ये पतली सी लई होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो बस इसको हम टाइट से पैक कर देंगे। तो ये ताज़ा पट्टी है, तो देखिए फटी नहीं और टाइट से हमने इसको पैक किया है। एक और पट्टी लेते हैं और आपको दिखाते हैं। स्टफिंग रखेंगे अपनी पसंद के मुताबिक, मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप कम भी रख सकते हैं। और हम इसको अच्छे से पैक करेंगे, थोड़ा टाइट करते हुए पैक कर लेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और हल्की सी लई लगाएंगे, इसको भी टाइट करते हुए पैक करेंगे। तो इस तरह मैं सारे रोल बना के रख लूँगी जो बना चुकी थी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए और ऑयल को गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं, डाल दे के साथ ही कलर आ जाए, ऐसा गर्म नहीं, बस गर्म होना चाहिए। आपका ऑयल हल्का सा भी ठंडा होगा तो ये रोल सारे ऑयल पी लेंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। बस गर्म ऑयल चाहिए और मीडियम आँच में हम फ्राई करेंगे। हम आपको आँच दिखाएंगे कितनी आँच में मैंने इसको फ्राई किया है। तो बस मीडियम आंच में फ्राई करना है, थोड़ी देर बाद हम इसकी जगह चेंज कर देंगे। इसी तरह इसको हम फ्राई करेंगे, हर थोड़ी बार इसको हम जगह चेंज करते जाएंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। आप तेज़ आंच में फ्राई करेंगे, फ्राई तो हो जाएंगी, अंदर से ये सॉफ्ट रहेंगी और पट्टी अंदर से कुक नहीं होगी। तो मीडियम आंच में फ्राई किया जाता है, इसे ऊपर कलर आ जाए और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। यकीन जानिए बहुत महक रहे थे ये और बहुत लजीज बनते हैं। तो हम सारे रोल निकालेंगे इसमें से।
तो ये रोल निकाल चुकी थी और मैंने इतनी आँच में इसको फ्राई किया है, ये देखें इतनी आँच है। तो इतनी आँच में मैंने ऑयल भी गर्म किया था, इतनी ही आँच में फ्राई किया जाता है, इससे कम तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल क्रिस्पी तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। कम बजट में बहुत सारे रोल बन के तैयार होते हैं और ये बहुत गर्म थे फिर भी मैंने इसको तोड़ा है। तो ये शानदार सी रेसिपी मैंने आपको बताई है, आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अपनी दुआ मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।